आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमें ये वेव की इक्वेशन दी हुई है ना, और बोला कि x और y मीटर्स के अंदर है, तो हमें फाइंड आउट करना है एट टाइम t बराबर 0 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल्स टू 0.1 0.2 एंड 0.3 मीटर। ठीक है, और जब x बराबर 0.1 दिया है तो ये सब चीजें फाइंड आउट करनी है, और हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, और वेलोसिटी ऑफ वेव ऑफ वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ये भी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं करके। तो सबसे पहले तो क्या बोला है, ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में था एट टाइम टी बराबर 0 व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एट एक्स इक्वल्स टू 0.1 0 ये सारी चीजें है ना, तो वाई इक्वल्स टू 0.03 साइन 3x माइनस 2t, ये इक्वेशन हमें दी हुई है ना। तो टाइम t बराबर 0 पे एट टाइम t बराबर 0 ये क्या हो जाएगी, y इक्वल्स 0.3 साइन 3x है ना, ये हो गई। तो अब पहले पार्ट में क्या है, तो x बराबर 0 डाल देते हैं, x बराबर 0.1 डालना है, x बराबर 0.2 डाल रहा है, ठीक है, x बराबर 0.3 डालना है। तो यहाँ से x बराबर 0 डालेंगे तो y क्या जाएगा, y इक्वल्स टू ये 0 ही आ जाएगा है ना, x बराबर 0.1 पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0.3 साइन ऑफ 0.3 ये आ जाएगा है ना, इसकी वैल्यू देख लेगा जो भी आए। x बराबर 2 पे क्या, x 0.2 पे क्या आ जाएगा, 0.3 साइन ऑफ ये क्या हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा है ना, और ये 3 पे क्या हो जाएगा, 0.3 साइन ऑफ 0.9 ठीक है। अच्छा ये 0.03 था, सॉरी, तो ये 0.3 हो जाएगा सारी जगह है ना। तो ये हमारा ए पार्ट के आंसर आ जाएंगे सारे, इनको सोल्व कर लेना जो भी आए। ठीक है, अब बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें क्या बोला है कि एट टाइम टी बराबर एट एक्स इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर है ना, तो हमें फाइंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है जब टाइम 0 हो, टाइम 0.1 हो, टाइम 0.2 हो, ठीक है, इन सब पोजिशन इन सब टाइम्स पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करनी है। तो ठीक है, कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, वाई इज इक्वल्स टू 0.03 साइन ऑफ x की वैल्यू कितनी फिक्स कर दी हमने, 0.1 कर दी, तो ये हमेशा 0.3 रहेगा, 0.3 माइनस 0 ठीक है, तो ये आ जाएगा इस टाइम टी बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 0.03 साइन ऑफ 0.3 माइनस ये कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, 0.2 है ना, तो साइन ऑफ 0.1 ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये आ जाएगा। टाइम टी बराबर 0.2 पे क्या आ जाएगा, 0.03 साइन ऑफ 0.3 माइनस 0.4 ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे बी पार्ट के आंसर्स आ गए। अब हमें सी पार्ट में क्या फाइंड आउट करना था, इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है, जो ये है वेलोसिटी होगी v इक्वल्स टू dy बाय dt राइट, तो इसको इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू 0.03 साइन का डिफरेंशिएशन cos 3x माइनस 2t, और t का डिफरेंशिएशन बाहर क्या आ जाएगा, माइनस 2 है ना, तो ये इंटू माइनस 2। तो जो क्या वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई, v इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.06 cos 3x माइनस 2t, ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, डी पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेशन है ना, तो वी मैक्स क्या होती है, हमें बताया कि वी मैक्स जो होती है वो होती है ओमेगा है, वी मैक्स इज इक्वल्स टू ओमेगा है, तो ओमेगा कितना है, ओमेगा क्या होता है, टी का कोफिशिएंट है ना, तो ओमेगा है 2 इनटू एम्पलीट्यूड कितना है, 0.03, तो ये कितना आ गया, 0.06 मीटर पर सेकेंड हमारी मैक्सिमम स्पीड आ गई। ठीक है, फाइनली ई पार्ट में क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है ना, तो ई पार्ट में पूछा है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वी इक्वल्स टू ओमेगा बाई के राइट, तो ओमेगा कितना है हमारा 2, के कितना है 3, तो कितना आ गया 0.66 मीटर पर सेकेंड है ना, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।